नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि धनतेरस पर्व के दिन 13 दिए जलाने का क्या विधान है। आखिर धनतेरस के दिन 13 दिए क्यों जलाए जाते हैं। दोस्तों, इस साल धनतेरस का पर्व 29 अक्टूबर मंगलवार को मनाया जाएगा। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 29 अक्टूबर प्रातःकाल 10:31 पर और त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 30 अक्टूबर दोपहर 1:15। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 29 अक्टूबर सायकाल 6:31 से रात्रि 8:13 तक। दोस्तों, धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी, गणेश जी, कुबेर जी व धन्वंतरी जी की पूजा बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। जिस प्रकार माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुई थी, उसी प्रकार अमृत कलश लेकर धन्वंतरी जी भी प्रकट हुए थे। इनकी कृपा प्राप्त करने के लिए और अच्छा स्वास्थ्य व लंबी उम्र पाने के लिए धनतेरस के दिन दीप दान जरूर करना चाहिए। इस दिन विशेषकर 13 दिए जलाने का प्रावधान है और इन्हें जलाना शुभ माना जाता है। चलिए जानते हैं कि धनतेरस के दिन ये 13 दिए क्यों जलाए जाते हैं और कहां कहां पर इनको जलाना चाहिए। दोस्तों, धनतेरस के दिन पहला दिया माँ लक्ष्मी के सामने जलाया जाता है। ये दिया धन लाभ और जीवन में सफलता का आशीर्वाद पाने के लिए जलाना शुभ माना जाता है। दूसरा दिया माँ तुलसी के समक्ष जलाना चाहिए। माँ तुलसी के सामने दिया जलाने से घर में सुख शांति और समृद्धि का वास रहता है। आपको साथ में माँ तुलसी के मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। धनतेरस के दिन तीसरा दिया घर के मंदिर में जलाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और आपका घर हमेशा धन धान्य से परिपूर्ण रहता है। धनतेरस के दिन चौथा दिया घर के बाहर कूड़ेदान के पास दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जरूर जलाए। कहते हैं कि ऐसा करने से परिवार में अकाल मृत्यु का भय कम होता है। पांचवा दिया घर के मुख्य दरवाजे के सामने जलाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि घर से नकारात्मकता को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, इसलिए घर के मुख्य दरवाजे पर दिया जरूर रखना चाहिए। छठा दिया सरसों के तेल का जलाकर पीपल के पेड़ के नीचे रखा जाता है। मान्यता है कि इससे घर में आर्थिक संकट से बचाव होता है। सातवां दिया घर के आसपास किसी मंदिर में जाकर जलाया जाता है, इससे घर में खुशहाली आती है। आठवां दिया घर के कूड़ेदान के पास जलाना शुभ होता है। ये दिया बुराई का नाश करके घर परिवार में खुशियां लेकर आता है। नौवां दिया शौचालय के बाहर जलाया जाता है। कहते हैं ऐसा करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। दसवां दिया घर की छत पर जलाना चाहिए। ये जीवन से अंधकार को दूर कर जीवन में उजाला भर देता है। ग्यारहवां दिया घर की खिड़की के पास रखना शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि ये दिया बुरी और नकारात्मक ऊर्जा से लड़ने में मदद करता है। बारहवां दिया घर के सबसे ऊंचे स्थान पर रखना चाहिए ताकि घर परिवार में सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे। तेरहवां दिया घर के आंगन को सजाने के लिए रखा जाता है। ये दिखने में खूबसूरत होने के साथ साथ जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी बढ़ाते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के मौके पर इस दिन इन 13 दीपक को अलग अलग जगह पर जलाया जाता है। ये जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस की शाम दीपदान का बड़ा ही महत्व होता है। माना जाता है कि इससे यमराज प्रसन्न होते हैं और अकाल मृत्यु से बचाव होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस पर दक्षिण दिशा में यम का दीपक जलाने से यमराज प्रसन्न होते हैं और परिवार के सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। ऐसे में धनतेरस पर घर के बाहर यमराज जी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। धनतेरस के दिन अगर आप दिया जलाते हैं तो माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है और सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। इस तरह आप धनतेरस के दिन इन 13 दियों को जरूर जलाएं। ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।